तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण और मैं टेक्निकल हब यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। तो आज मनोज दे अपना मीटअप रखे हैं रांची में, मुराबादी मैदान, जो कि झारखंड में पड़ता है। तो आज 20 तारीख है, 20 जून 2019, और आज 9:30 बजे मीटअप रखे हुए हैं। तो फिलहाल तो बज रहे हैं 8:57 या 8:58, लगभग से 9 बजने वाले हैं। तो चलिए आज उनसे मिलने के प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग आए हैं और क्या उनका डिस्कशन होता है उस मैदान में, उनका क्या खुशी होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, वो भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर बोलेगा लड़की छेड़ रहा है, पिटाई हो जाएगा। रांची में एक बार देखे अखिलेश मॉल के पास, दो तीन लोग से लिए कैमरा वैमरा लेके प्रैंक वैंक कर, अब पता नहीं बात बात किए, लड़की के पास जाके कुछ बोले, लड़की पूरा गुस्सा हो, फिर वहाँ लड़की उठ के वहाँ से चली गई। कोई यहाँ पे मतलब कि मारा वारा नहीं लोग को, लेकिन यही देखे ना तो काफ़ी ख़राब लगा, लोग यहाँ पे सोच होता है। यहाँ पे अभी भी यूट्यूब के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, मैं ही इतना बड़ा सेटअप लेकर मार्केट मार्केट घूम रहा था। हम अभी हम अपने हॉस्टल से आ रहे थे, ऐसे ब्लॉग बनाते थे, गाज लेके गाज बोल रहे क्या है बे, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। ये वाला जो चीज़ है ना, ये देख के सब डर जाता है, सब सोचता ये है क्या, इसके बारे में सबको नॉलेज नहीं है। गोरिल्ला को बाकी और किसी डबल पी ब्लॉग नाम है मेरा ब्लॉगिंग चैनल का। फर्स्ट वीडियो पे ही मनोज दे आपके वीडियो पे। सो गाइस, मेरे चैनल का नाम डबल पी ब्लॉग से, आज मेरा पहले ही ब्लॉग से, और आज ही झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूबर मनोज दे के साथ मेरा मीटअप हो गया। सबसे पहला बात तो ये फर्स्ट ब्लॉग है इनका, लेकिन इसका बोलने का एक्सपीरियंस है, टैलेंट भाई में बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ो, काम करते रहो, क्योंकि इतना अच्छा बोल रहे हैं सब कोई। देखिए फर्स्ट ब्लॉग में सब कोई बोलने में हक लाता है, ठीक है, डर लगता है, लेकिन इतना क्राउड में इतना अच्छा से बोल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंट है बंदे में, ठीक है, दम है। तो सब्सक्राइब करना चैनल को, सब डबल पी ब्लॉग्स मेरे चैनल का नाम है। सो मनोज भाई भी अब बोल दिए, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मेरे वीडियो को। सो मनोज भाई को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, रांची में आए आप हम लोगों से मिलने के लिए, थैंक यू मनोज। आपको भी थैंक यू यार, इतना ज़्यादा प्यार देने, थैंक यू वेलकम। और मेरा वीडियो पे एवरेज व्यू 30-40,000 आ जाता है। देखिए आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे घर से बहुत सारे हैं, झारखंड में ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सब बैठने के लिए करूँ ना, इधर आइए, बैठिए ना, ये बढ़िया नहीं बात हो जाता, नहीं तो कंटेंट पे डिपेंड करता है क्या नॉलेज दे रहे हैं। सिल्वर प्ले बटन पे जो भी नाम लिखवाना चाहते हैं आप वो खुद से लिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि चैनल का ही नाम आए, आप चाहे तो अपना नाम भी दिलवा सकते हैं या फिर चैनल का। मेरा सिल्वर प्ले बटन कल ही पहुँच चुका है, हम घर पर नहीं, पापा के पास अभी रिसीव है, जाकर तो वो भी ब्लॉग आ जाएगा, सिल्वर प्ले बटन आ गया आप ब्लॉग का। अच्छा मनोज भाई ये बात की, जो सिल्वर प्ले बटन होता है उस पर चैनल का नाम रहता है कि अपना नाम लिखा रहता है, चैनल का नाम का भी बाय डिफॉल्ट चैनल का नाम होता है, फिर आप मतलब उसको अपने तरीके से। अच्छा भाई, वो जो सिल्वर प्ले बटन होता है उसमें सच में सिल्वर होता है क्या? वो संडे कमेंट बॉक्स में मैंने डाला था ना, थंबनेल पे ही तो था, इसमें असली सिल्वर होता है, असली होता है। और डायमंड में? डायमंड में असली डायमंड होता है। और गोल्ड प्ले बटन में भाई? गोल्ड प्ले बटन में 1 किलो का सोना। देखिए उसमें वैसा कुछ नहीं होता है, सिल्वर प्ले बटन में टीना का जो है फ्रेम रहता है, उसमें बना हुआ रहता है, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा है, देखने में गजब है। अच्छा वो एक सम्मान है, वहाँ सोना में जब हम लोग कोई रेस में या फिर किसी चीज में हिस्सा लेते थे तो हम लोग को मेडल मिलता था, मेडल रहता है कौन सी का, टीना का हिस्सा, लेकिन सम्मान मिलता था स्टेज में बुलाते, जब मेडल को पहनाया जाता था तो वो अलग होता,
सिल्वर प्ले बटन सब कोई नहीं ले सकता, 100 के सब्सक्राइबर हिट करना एक बहुत बड़ा बात है, सबके प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ टिकटॉक नहीं है जाके और स्मार्टनेस दिखा के हो जाएगा। यूट्यूब पे और टैलेंट दिखाना जरूरी नहीं कि स्मार्ट से बनाना होता है, पब्लिक को कुछ सिखाना होता है, कोई नहीं घटिया घटिया लोग इस समय इतना कंपटीशन है, 100 के पहुंचना इतना आसान नहीं है। हाँ अभी कंपटीशन अभी बहुत ज्यादा हो गया, नहीं मेहनत करने वाले जो नहीं ऑडियंस रिटेंशन आप लोग अच्छा करिए जरूर होगा। मेरा सिर्फ 9 वीडियो से 44,000 पहुंच गया, तो आप लोग क्यों नहीं सवाल ये है कि नहीं मालूम। आप रही कंपटीशन की बात है, कंपटीशन तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, मतलब आप अभी बोल रहे हैं कंपटीशन ज्यादा है, ऐसे 2 साल बाद 2021 में बोलेगा और ज्यादा कंपटीशन है। हर चीज में बात का वही, अभी और कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन तो हर चीज में, चाहे आपको पढ़ाई में भी जाइए जॉब में भी जाइए, गवर्नमेंट जॉब में एकदम कंपटीशन तो हर जगह क्वेश्चन है। जब वीडियो बनाते हैं वीडियो अच्छा से बन नहीं पाता है, अलाउ नहीं, निषेध नहीं है वहाँ, मतलब सब बात है। गर्मी में तो बुरा हाल है, रास्ता का साइड साइड फटा हुआ पूरा, आग निकल रहा है। गर्मी में तो बुरा हाल होगा, हम लोग धनबाद में गर्मी बहुत ज्यादा, रांची में बहुत कम, यहाँ भी अब पिछले साल से बहुत ज्यादा गर्मी है, पिछले साल थे ना तो बहुत कम था, इस बार बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन, गर्मी दिन ब दिन बढ़ी है, धनबाद में ज्यादा गर्मी है। आप एक संदेश दीजिए पेड़ लगाने के लिए, सबसे बड़ा पेड़ तो लगाना जरूरी है, चलिए इस पे भी एक वीडियो बना दें। नहीं मैंने अभी एक वीडियो डालने वाली हूँ कि हम कैसे होम किचन बना सकते हैं घरों पर थोड़ा थोड़ा, जैसे किचन, क्योंकि देखिए आज के डेट में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है और उसके लिए सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज भी हो रहे हैं, तो इसकी वजह से उसको का दूर करना है तो हमको हर घर पे पेड़ लगाना होगा, वो भी घर पे थोड़ी सी जगह पे खेती करनी होगी, इतना अपने को जगह मिल सकता है। अच्छा भाई आप इनसे इंट्रोड्यूस हुए कि नहीं, ये कपिल शर्मा के बहुत बड़े फैन है, ये सिमडेगा से आपको मिला है। भाई वो देखे मैं 5 मिनट थोड़ा सा, आप लोग समय आप लोग भी सुनिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। देखिए कपिल से मिलने की चाह में बनाया यूट्यूब चैनल, सामाजिक कार्यों में जुटा, ठीक है, और कपिल भी मेरे से मिलके मेरे फैन हुए, मतलब मेरे कामों को देख के, और ये देखिए कपिल शर्मा के साथ मेरे ऐसा ऐसा पीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यूट्यूब में सबसे पहले मैंने 20 साल बिछड़े हुए बेटे को ढूंढ के निकाला था, और इस तरह से बहुत सारे सोशल सर्विस करते हैं मनोज भाई, और मैं आपसे मिलना चाहता था धनबाद जाके लेकिन मुझे एड्रेस नहीं मिलता था, और आज तक मैंने किसी से मिलने के लिए रात भर नहीं सोया है, तो दो ही इंसान है, एक कपिल शर्मा से मिलने के लिए और आज मनोज दे के लिए, मनोज से मिलने के लिए रात भर नहीं सोया, मेरे आंखों में अभी पास में रात भर नहीं सोया था, ये बहुत कम है मनोज भाई जो लेके आए आपके पास दिखाने के लिए, और मेरे मतलब फेसबुक पे यूट्यूब पे मतलब आ गया है, हम बहुत और अगर आप लोग सब मनोज भाई के साथ में अगर मिल के एक बार हम वीडियो बनाते हैं, जो गुजारिश है कि हम लोग एक बार खिलाएंगे कपिल कपिल, तो हम कपिल शर्मा सर को भेजेंगे पक्का वो वीडियो, और वहाँ पर रिव्यू भी आएगा जरूर जरूर। मनोज भाई आपका तो इजाजत चाहिए, आप तो यहाँ के गुरु हैं, ठीक ना, तो वो वीडियो मेरा मोबाइल से बना दीजिए और मनोज भाई के साथ यही नाम से मेरा YouTube चैनल है, इनका Facebook पेज भी है मनोज भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रेम कुमार और मेरा YouTube चैनल कपिल का फैन प्रेम में स्वागत है। देखिए मैंने जिससे को देख के YouTube मतलब धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा, ये मनोज भाई जो कि मैंने देखा है कि जमीन से आसमान छूना किसे कहते हैं, ये मनोज भाई से कोई सीखे, और मैं अब आज मिलने के लिए आया हूँ कपिल का फैन प्रेम, आज तक 2 बार रात को नहीं सोया किसी से मिलने के लिए, तो एक तो कपिल शर्मा आपको पता ही होगा और एक दूसरे मनोज भाई, तो मनोज भाई आपको मेरे बारे में अभी पता चला, आपको कैसा लग रहा है मेरे से मिलके? सो फ्रेंड्स अभी इनसे मैंने सुना है कि ये सबसे बड़े फैन है कपिल शर्मा के और सेकंड में हूँ मैं, यही ना, तो ये सुन करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और भाई बोल रहे हैं कल रात तक सोए नहीं कि मनोज भाई आ रहे हैं उनसे मिलना है, तो ये सब चीज़ें सुन करके लगता है कि लाइफ में कुछ किया। अभी एक मान लीजिए मैं जॉब ले लेता तो मुझे कितने लोग पहचानते, पैसा तो बड़े उसमें कमा लेता, सिर्फ ऑफिस के लोग पहचानते, मेरे घर वाले पहचानते, और शादी करता तो दहेज जरम। ये सबसे बड़ी बात होती है, हमारे यहाँ झारखंड बिहार में जॉब का क्रेज इसीलिए ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब का खास करके, शादी में दहेज मिलेगा ज्यादा, शादी का सोचते हैं। अच्छा मनोज भाई शादी का क्या सोचे, कब होगा?
अभी मुझे देख के लग रहा है शादी लायक मनोज भाई यूट्यूब से मैंने 20 साल पिछले हुए बेटे को मिला, इसे आप किस नजर से देखते हैं कि ये यूट्यूब से मैं सिमडेगा जिला से आया हूं। इसमें आप यूट्यूब का पावर दिखा दिए ना कि सोशल मीडिया का कितना ज्यादा पावर है। YouTube से इन्होंने एक 20 साल बिछड़े बेटे को मिला दिया, इससे पावर चलता है कि कितना पावर है YouTube का। तो YouTube से कोई टक्कर नहीं ले सकता, बाप बाप होता है। तो मनोज भाई आप मतलब झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूबर है मेरे नजर में, आप अपने नजर में भले ना मानो सबके नजर में, मेरे सब्सक्राइबर चाहे जितने भी लोग हैं उन्हें मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो भी आप लोग देख रहे हैं भाई से मिलकर सबसे बड़ी बात तो बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सबसे एक बार कैमरा को 360 डिग्री रोटेट कर दो, कितने लोग आए थोड़ा दिखा दो। चीयर्स चीयर्स कपिल 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 पोस्ट किया था कि यू आर नोबल जो मतलब हेड सैल्यूट। कपिल शर्मा ने भी मुझे वहाँ पे बोला था कि मैं आज तक लाखों फैन देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं देखे, बार बार हमको गले मिलने से ही सारा फोटो है मेरे पास। और फिर उनकी जो मम्मी थी ना वो अपने हाथों से हमको खाना भी खिलाई थी, और ये मेरे सुपर हीरो 7 साल का मेरा ड्रीम था। ये देखिए उसका मम्मी हमको सामने खाना रखा हुआ है और फोटो खिंचा रहे हैं। कपिल मेरा कॉन्फिडेंस देखिए भाई कि हम धनबाद से आपकी जैसे गाँव से गए जहाँ पे 80-90% लोग ट्रेन देखे तक नहीं है, वैसे अकेला मुंबई जाके मैंने ऐसा मतलब अपना मतलब कॉन्फिडेंस मतलब है। और देखिए अभी भी मैं 150 किलोमीटर से आया हूँ और मेरे बात करने में देखिए कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तो देखिए धनबाद नहीं नहीं मैं सिमडेगा से आया हूँ और आपसे मिलने के लिए स्पेशल आया हूँ मतलब 150 किलोमीटर से। ये देखिए कपिल से मिलने की चाह में बनाया यूट्यूब चैनल। अरे इसी तरह से ये अभी मैं आप लोगों को किसको भी बताऊंगा ना तो बहुत कम है, मेरे फेसबुक पे चाहे मेरे यूट्यूब चैनल में सारे बच्चे लोग। आपका बात सही समझ में आ जा रहा है कितना बड़ा आपका भी बहन है आपके से ही तो मैं YouTube से जमीन से, लेकिन मेरा सबसे बड़ा भगवान मतलब कपिल शर्मा है। मैंने अपनी लाइफ को कपिल शर्मा के लिए डेडिकेट किया। हाँ और कोई वृक्ष के बारे में बोल रहे थे ना तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कपिल का फैन प्रेम अगले संडे से 100 वृक्ष लगाने वाला है, और मतलब स्टार्टिंग करेगा संडे से और एक एक करके, और उसको 100 में कपिल शर्मा भी होंगे। और मेरा नेक्स्ट जो मतलब है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है। आप लोगों का आशीर्वाद हो तो मैं पक्का मिलूंगा। देखिए वैसा आना और वो मेरे काम के बारे में मिलना तो कुछ अलग होता है। सही बात है जो काम कर रहे हैं उसके थ्रू से आप मोदी जी से मिल भी सकते हैं। ये मनोज जी हैं और ये मेरे प्रथम गुरु हैं। जब से मैंने अगर YouTube स्टार्ट किया है तो उनके वीडियो देखती हूँ और इनसे ही सीखती हूँ। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इनसे मिलने का मौका मिल रहा है, और मैं भी रात भर से एक्साइटेड थी कि सुबह मनोज जी से मिलना है। तो बिना जी को देखकर यहाँ पर जो है बहुत सारे क्राउड हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं मेरे से मिलने के लिए, और मुझे खुशी होती है कि मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ और मेरे से सीख करके कोई कुछ काम कर रहा है लाइफ में। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर वीडियो आप लोग देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करना बिना जी के चैनल को, बिना ब्लॉग ब्लॉग बनाते हैं आप, ब्लॉग भी है। हेल्थ एंड फिटनेस का जो मेरा मेन मोटो है कि आज की डेट में जो लोग भी हैं हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, आप सभी पिज्जा बर्गर ये सब खाते रहते हैं, अनहेल्दी चीजें खाते रहते हैं, फास्ट फूड, तो वो सबको छोड़िए। क्योंकि देखिए जो भी चीज हम खा रहे हैं वो सारा का सारा हमें कैंसर की ओर ले जा रहा है। तो अवेयरनेस मुझे हर किसी में जगाना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो या फिर बुजुर्ग लोग हैं, तो वो मेरा मोटो है। इसके लिए आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और हेल्दी रहिए और फिट रहिए। घर का खाना खाइए, माँ के हाथ का बना हुआ बिल्कुल। और तो मेरा कैंसर फ्री करना है हमको, अपने देश को सारी बीमारियों से दूर रखना है। इसके लिए आप लोग एक्सरसाइज, योगा और अच्छा हेल्थ के रिलेटेड खाना खाइए, ग्रीन टी पिए, सब अच्छी चीजें कीजिए और जंक फूड को छोड़ दीजिए प्लीज। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है ब्लैक कॉफी सेहत के लिए अच्छा है। कौन सा? ब्लैक कॉफी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि आप उसमें अगर मिल्क ऐड नहीं करते हैं और अगर आप शुगर ऐड नहीं करते हैं तो वेट पुट ऑन नहीं करेगा, और अगर वेट पुट ऑन नहीं करेगा इसका मतलब आपका हेल्दी रहेंगे आप। हमने सामने सुना है उसे कैंसर होने का संभावना काफी कम होता है, या इसलिए बोल रही हूँ कि ब्लैक कॉफी आप पी सकते हैं। सर आप ग्रीन टी पे आ जाइए प्लीज, आप ग्रीन टी को पिलाइएगा। हाँ मेरे घर आप चलिए, मैं आपको अच्छे से टेस्ट चलिए आपसे ध्यान रहेगा, जो भी वीडियो देख रहे हो वो लोग भी ध्यान रखना और जो बना रहे वो भी और अगर ग्रीन टी कड़वा लगता है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि नेचुरल गुड़ बहुत अच्छा होता है, आयरन मिलता है उससे। तो इसके लिए जो भी आप लोग को हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होगी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मनोज भाई आप कब तक रांची में रुकेंगे? कल तक का प्लान? नहीं आज शाम क्या मैं कल तो इंटरनेशनल योगा डे है यहाँ भाई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ योगा डे को प्रमोट करने आ रहे हैं। आज कल नहीं रहेगा, आप कैसे चलेगा? रहना पड़ेगा ना यहाँ पे, रह जाइए, एक ब्लॉग बन जाएगा। ब्लॉग देखिए, अभी यहाँ से मैं निकल के जाऊंगा वहीं पे सोच रहा था एक दो ब्लॉग सुनाऊंगा, एक दो बनाए, बहुत अच्छा जगह। वाटर लेवल कम होगा, आप बरसात में आइए सर, बहुत अच्छा वाटर मिलेगा, बहुत कम वाटर होगा। भाई डीप बोरिंग वहाँ पे कितना में पानी मिल जाता है? धनबाद में 110 बहुत ऊपर पानी पानी वहाँ मिल जाता है। यहाँ तो स्क्रीन में दिखाई 14,000 बताइए। अब इसमें से सब ज्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स का ही, अगर मैं सबका रीड करूँ सबका प्रॉब्लम तो टाइम हो जाएगा, पॉसिबल महीना बीत जाएगा। झारखंड में बहुत बेरोजगारी है, तो आप सर सुने फेसबुक 1400 रुपए रात को मैंने दे रहा था, मेरे अकाउंट में आया नहीं, रात को मैंने वीडियो भी देखा। वो सही चीज है लेकिन थोड़ा सा गलत भी है ना कि इसमें डेटा है नहीं, यूज करेगा वो फिर आप किससे बात करो सब मतलब फेसबुक आप खुला बोल के बोल रहा है कि डेटा हम लोग चुराएंगे, बस उसके बदले में पैसा नहीं दिया, उसके बारे में बता भी दिया क्या फायदा क्या नुकसान है, दोनों चीज बता दी, वो बता दी, दोनों बता दी, ऐसा नहीं बोले की आपने कुछ चलता रही चला दिया अच्छा। और क्या है कि उसमें फेसबुक ये काम इसीलिए कर रहा है कि वो टारगेटेड ऑडियंस को देखेगा कि क्या पसंद कर रहा है और उसमें ऐड चलाएगा। हमारे पास वैसे ही ऐड आते हैं जिसको हम लोग पसंद करते हैं, जैसे हमने अमेजोन पे सर्च किया कोई जूता, जूता का ही ऐड नजर आएगा इधर खोलिए। अच्छा मनोज भाई एक सबके पास आ रहा है इसका पासवर्ड वासवर्ड महा ये वाला बता दीजिए इसमें क्या हुआ था, यही तो बारे में बताया। इसमें मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे हम मैसेज चेक करते हैं, रिप्लाई नहीं करते लेकिन मैसेज चेक करते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, देखे 4-5 मैसेज इस तरह का आया हुआ था, इस तरह के मेल आ रहा है यूट्यूब पे कि स्पैम वीडियो बना रहे हैं, आपका पासवर्ड देना है, चैनल का यूआरएल देना है। मैंने रात में जाग करके 11 बजे मुंह फ्रेश करके वीडियो बना करके डाल दिया, क्योंकि इसमें बहुत कोई का बर्बाद हो जाता चैनल, इसके ऐसे भी बहुत सारे हैं जो बिना सोचे समझे देख रहा है यूट्यूब लिखा हुआ दे देगा पासवर्ड, हम आप तक वीडियो देंगे तभी अवेयर थे तब से, और मेरे पास उसी दिन आया ये मैसेज। ये सब जो मैसेज है इसे पहचाने का सबसे गुड एरिया इसको गूगल, अब देखिए सबसे गुड एरिया की यूट्यूब कभी पासवर्ड मांगता ही नहीं दीजिए, सबसे बड़ी बात यूट्यूब आपको पासवर्ड क्यों मांगेगा बताइए, बैंक वाला कभी आपका एटीएम का पिन नहीं मांगता है, पासवर्ड नहीं मांगता, बस पासवर्ड मांग रहा था, यही पकड़ में आ जा रहा है, बाकी इसका देखिएगा। सोच बहुत दूर तक जाता है ठीक है, लेकिन उसको करने के लिए कुछ करना होगा, जैसे कि जोमेटो में आज जोमेटो का जो मालिक है वो एक आईआईटीएन, एक एप्लीकेशन बनाया, एक कॉन्सेप्ट निकाला कि जोमेटो के थ्रू हम लोग जो है खाना पहुंचाएंगे, आज पता नहीं वो कितना बिलियन डॉलर का वो मालिक करने का तैयारी कर रहा है, तो उसी तरह से अगर कुछ हम लोग यूनिक कॉन्सेप्ट ला पाए तो बहुत ज्यादा बेटर होगा अपना स्टार्टअप करने का, लेकिन नहीं हो पाता ना, वही चीज तो जो कर लिया वही उसी को तो कहते हैं बाजीगर, बाजीगर। ये कपिल शर्मा का ऑटोग्राफ है, यहाँ पे आप देखिए, ये कपिल शर्मा का है, ये कपिल शर्मा का ऑटोग्राफ, मेरा नाम स्टार का एक पेज पे, बेस्ट ऑफ लक मनोज जी आपका सरनेम है, ये आपका सरनेम है क्या, सरनेम आपका अलग है, मेरा सरनेम है ये मोदक, मनोज मोदक, कपिल का फैन प्रेम, कपिल का फैन प्रेम, का फैन प्रेम आपको अभी याद नहीं सर, जाके कैसे प्रेम प्रेम सभी लोगों को बोले हैं कि आपके 500 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे, तो हम लोग उम्मीद में दिखाएंगे, तो 500 के होने वाले हैं और 15 दिन, हाँ हाँ, तो 500 हुआ और हम लोग पहला वीडियो उन्हीं वही हम लोग उम्मीद करते हैं आपसे, उसके बाद मतलब और कोई वीडियो नहीं, नहीं मतलब वो वीडियो हम लोग को देखना है, वो वीडियो हम लोग को पहले देखना है, उसके बाद वीडियो देखेंगे, चलिए मिलाएंगे सबको ठीक है, वो भी तो मम्मी पापा वीडियो थोड़ा उसमें देख रहे हैं, अच्छा से बनाने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली होता ही है कि मेरी मम्मी जो है उनको हिंदी भी नहीं आती, बंगाली है, बंगाली देखिए बोलती है, मेरी भी मम्मी सेम वैसी ही है, लेकिन मम्मी मम्मी होती है, काफी मैं खड़ी भी रहेंगी ना तो चलेगा, मेरी मम्मी हम बंगाली नहीं बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग समझ में सबको आता, भले बोल ना पाए क्योंकि बंगला और हिंदी में ज्यादा डिफरेंस है, मनोज भाई मेरी मम्मी तो पहले फोन में नहीं बात करती थी, हमको हिंदी नहीं आता था बोल के, वो अलग होती है, माँ लोग माँ ही होती है, नहीं समझ में आता।